नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन चिक सेल के बारे में कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है और कैसे हम स्लाइड बनाते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए तो हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ग्लास स्लाइड चाहिए, और हमारे पास जो है ग्लास स्लाइड का हमें चाहिए कवर स्लिप चाहिए। उसके बाद हमें स्टीराइल जो है टूथपिक चाहिए होता है, जो बिल्कुल, या तो उसके बदले आप कॉटन से भी आप ले सकते हैं, इसको स्टीराइल होना चाहिए ये सब चीज़ें। केमिकल में हमारे पास ये मिथिलीन ब्लू, जो 0.5 या 1% मिथिलीन ब्लू होता है, और ग्लिसरीन चाहिए। उसके बाद हमें नॉर्मल सलाइन चाहिए, या तो फिर आप नॉर्मल सलाइन की जगह आप डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं। और हमारे चाहिए क्या, टिश्यू पेपर चाहिए या ब्लॉटिंग पेपर चाहिए। तो ये हमारे पास ये सब चीज़ चाहिए होता है। अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे जो क्लीन और ड्राई स्लाइड हो, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे, जो स्लाइड के सेंटर पे हो है उस पर हम एक ड्रॉप, हम जो नॉर्मल स्लाइन होता है वो, या तो फिर आप डिस्टिल वाटर एक ड्रॉप आप उस पर सेंटर पे रख दीजिए, जहाँ हम अपना जो है चिक सेल का सैंपल रखेंगे। तो एक ड्रॉप हमने स्लाइड पे स्लाइन रख दिया। अब हमें एक स्टीराइल टूथपिक या फिर आप कॉटन से आप ले लीजिए, और अपने मुँह के अंदर जो होता है वो जो चिक होता है उसके लेयर पर आप क्या कीजिए, जो है 2 बार 3 बार उसको ऊपर नीचे आगे पीछे कीजिए, तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। अपने मुंह के अंदर से, माउथ के अंदर से हम चिक सेल लेते हैं, जहाँ चिक होता है उसके अंदर जो सेल होता है उसके, उससे हम सेल कलेक्ट करते हैं, और फिर हम उसको स्लाइड पे हम डालते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम चीज़ जो चीज़ मुँह में लेते हैं उसके लिए हमें स्टीराइल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, उसको हम स्लाइड पर इसको हम पूरा स्प्रेड करेंगे, जहाँ पर हमने सलाइन या डिस्टिल वाटर रखा था उस पे ऊपर रख के हम उसको बिल्कुल कवर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस पे हम 1 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू हम ऐड करेंगे, जो हमारा जहाँ पर हमारा चिक सेल का सैंपल था वहाँ पर हमने 1 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट के लिए से हम छोड़ देंगे। अब हम 2 से 3 मिनट बाद इसमें हम 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल देंगे, और ग्लिसरीन डालने के बाद क्या करेंगे, हम कवर स्लिप लेंगे और कवर स्लिप से हम इसे कवर करेंगे। तो कवर स्लिप अब डायरेक्टली आप जो है इस पर मत रखिए, नहीं तो एयर बबल्स आ जाएगा। जब कवर स्लिप रखने के, ये प्रोसीजर है कि आप हमेशा एक 45 एंगल बनाइए, हैं, और उसके बाद 45 एंगल उसके नीचे कुछ रखिए, जैसे निडल या कुछ भी चीज़ ऐसे रखे, और स्लोली इसको नीचे रखे ताकि उसमें एयर बबल्स ना आ जाए। अगर बबल्स आ जाएगा तो फिर ज़्यादातर एयर बबल्स ही दिखेगा आपके स्टेन में, जो आपके माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जब ये हमने कवर स्लिप डाल दिया तो उसके ऊपर से किसी चीज़ से हम प्रेस करेंगे, चाहे निडल हो या किसी चीज़ से हम क्या करेंगे, उसको हम प्रेस करेंगे ताकि जो भी एक्सेस स्टेन होगा वो बाहर निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा जो एक्सेस स्टेन होता है वो निकल गया, तो हम टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर से हम क्या करेंगे, जो साइड साइड से जितने भी एक्स्ट्रा स्टेन होता है उसको हम वाइप कर लेंगे हम, ताकि हमें माइक्रोस्कोप में अच्छा से अपना चिक सेल दिखे, ठीक है। ये था हमारा ह्यूमन चिक सेल का स्लाइड प्रिपरेशन। अब हम माइक्रोस्कोप में इसके हम देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में आप इसे जो है या तो 10x पे भी देख सकते हैं या 40x। तो 40x पे ज़्यादा दिखेगा, तो 40x पे देखिए। जब 40x पे हम देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है आपको, ये जितने भी आपको जो ये दिख रहा है सेल राउंड राउंड करके, यही हमारा ह्यूमन चिक सेल, जिसको हम एनिमल सेल भी बोलते हैं या ह्यूमन सेल भी बोलते हैं। जो आप सेंटर में डॉट डॉट देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है, और बाकी साइड जो हमारा सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तो सारे चीज़ें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हमसे गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे के वीडियो में से हम सुधार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।